हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए कोई भी क्लास 12th का वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा सवाल उठाया है। ये सवाल मैंने नहीं उठाया, मतलब हम कल घर में थे तो क्लास ले रहे थे एक बच्चे का, तो उसने मेरे को एक सवाल करा जो बोर्ड में मैंने लिखा है, और ये एक डाउट सा है। सभी बच्चों को इस एज में डाउट रहता ही है इस सवाल के ऊपर, तो चलिए इसको देखते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब उसने मेरे को ये पूछा तो हम बोलते क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना लिया जाए, क्योंकि इस एज में तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा डाउट रहता ही है। तो हम बोलते वीडियो के माध्यम से उन लोग को भी थोड़ा मदद हो जाएगा। देखिए, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और छोटा सा भी है, जो हम लोग देखते भी हैं छोटे टाइम में, अपने टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे छोटे छोटे में। तो देखो 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 क्या है ये सवाल। देखिए तो क्या बोलता है कि किसी भी संख्या को 0 से भागा या डिवाइड देने पर अपरिभाषित या अनंत, जिसको हम बोलते हैं ना अपरिभाषित या अनंत, क्यों लिखा जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर 2 को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो हम उसमें क्या लिखते हैं? अपरिभाषित, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखे होंगे कभी कि 2 भागा 0 बराबर इन्फिनिटी, अनंत, ऐसे भी लिखे होंगे। अभी तो फिलहाल 2 भागा 0 को इन्फिनिटी नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है? अपरिभाषित। तो ऐसा क्यों, इसको समझने का अभी कोशिश करेंगे, ठीक है? साथ में हम ये भी समझेंगे, और साथ में ये भी समझेंगे कि 0 भागा 2 ये 0 क्यों होगा, ठीक है? या फिर 0 भागा 0 ये क्या होगा। तो ये सारे सवाल अभी हम लोग कवर कर लेंगे और पूरे एक मज़े से इसको समझेंगे कहानी के माध्यम से, ठीक है? तो चलिए हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से सब समझाने का चेष्टा करेंगे, ठीक है? उदाहरण, चलिए मिटा दें हम इस सवाल को। सवाल यह है कि किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड देने पे उसका मान अपरिभाषित क्यों लिखा जाता है, ठीक है? तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। और एक बार हम देख ले रहे हैं कि मेरा कैमरा सही है कि नहीं। चलिए सही है, सही है। अब लीजिए, हम आप लोगों को थोड़ा सा डिवाइड भागा, जिसको बोलते हैं ना डिवाइड करना, जैसे ये 4 डिवाइड 2, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि ये कितना होगा? 2, ठीक है? तो इसके लिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। ये जो हम डिवाइड किए हैं ना, भागा, भागा का मतलब क्या होता है? बांटना, है ना, बांटना। देखो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास 4 क्या है? आम है, और मेरे को 2 आदमी में उसको बराबर भाग में बांटना है। 2 आदमी हैं और 2 आदमी में 4 आमों को बराबर बांटना है, तो कितना करके मिलेगा 1 आदमी को? तो उसका आंसर है 2। हम समझ लिए, हम इसको डिवाइड भी कर दिए और भागा भी हो गया, मेरा लग गया भागा। अब ऐसे ही अगर मेरे पास ऐसे रहे कि 8 भागा 4, तो इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। इसका मतलब 8 आम है, और 8 आम को कितना भागों में डिवाइड करना है? 4 भागों में। तो 4 भाग में अगर 8 आम को डिवाइड करेंगे, मतलब बांट देंगे, 8 आमों को 4 जगह में अगर बांट दिया जाए, तो कितना करके मिलेगा? सबको बराबर कितना करके मिलेगा? 2 करके 2 आम। इसको भी समझ गए। अब यहाँ इसी टाइप से हम समझ रहे हैं ना, डिवाइड मतलब बांटना। तो अब सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 है, और 2 को हमको डिवाइड करना है 0 पे। ये जो मेरा टॉपिक भी था ना, पहले इसको नहीं, सॉरी इसको नहीं, पहले पहले काम करते हैं, इसको कर लेते हैं 0 भागा 2। 0 भागा 2 इसको पहले समझते हैं। इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर होता है 0। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों 0 क्यों लिख दिए हम? थोड़ा समझ लेते हैं इसको, है ना, उदाहरण के माध्यम से, ठीक है? जैसे यहाँ ऊपर वाला देखिए, मेरे पास आम था 4 ठो और आदमी था 2 ठो। 2 आदमी था और 4 आम था। 2 आदमी में क्या करना था? 4 आम को बांटना था, तो 2 करके मिला। यहाँ पे 8 आम 4 आदमी को बांटना था, तो 2 करके मिला एक एक आदमी को। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको फिर से हम आम मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं आदमी, इसको मान लेते हैं आदमी। अब आम आपके पास 1 भी नहीं है, आपके पास आम 1 भी नहीं है, और आदमी 2 ठो है। 2 आदमी, जैसे इसको थोड़ा समझिएगा, है ना, ये बहुत आसान है। देखो देखो, 2 आपके पास मान लीजिए आदमी है, एक ये और एक ये,
और आम आपके पास एक भी नहीं है तो कितना करके मिलेगा ये लोगों को, जब आम है ही नहीं तो कितना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो। इसलिए लिखा जाता है, सिंपल है ये, बस आपको समझना है कि ये जीरो क्यों लिखते हैं। आपके पास है ही नहीं कुछ बांटने के लिए, तो आप कितना करके मिलेगा किसी चीज़, किसी आदमी को कुछ मिलेगा ही नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा मतलब जीरो, आदमी को कुछ भी आम नहीं मिलेगा, जीरो आम, समझ रहे हैं ना। अब इसी से, और एक ये हम मैथमेटिकली टर्म से आपको नहीं समझा रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद और एक तो देख लेते हैं, ये वाला 2 भागा 0, ध्यान दीजिएगा 2 भागा 0 को हम अपरिभाषित मानते हैं, अपरिभाषित मतलब जो भागा नहीं जा सकता, अपरिभाषित। ऐसा क्यों, तो इसको भी समझ लेते हैं। ऊपर वाला में आम 0 है ना, यहाँ देखो, अब मान लेते हैं कि मेरे पास आम है 2 ठो, आम कितना है 2 ठो, और आदमी ही नहीं है, आदमी एक भी नहीं है, आदमी एक भी नहीं है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना ना। अब आपके पास आम है मान लीजिए 2 ठो और आदमी एक भी नहीं है, तो आप कहाँ उसको बांटिएगा, कहाँ भाग करिएगा, उसको कहाँ रखिएगा, हम क्या बोलेंगे, किसको क्या मिलेगा। अब आदमी ही नहीं है तो उसको हम डिवाइड क्या करें, होगा ही नहीं ना डिवाइड। यहाँ पे आम मान लीजिए आपके पास 2 आम है और आदमी एक भी नहीं है, तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, कैसे बांटोगे, 2 आम को किसको किसको दोगे, किसको किसको बोलने के लिए भी तो आदमी होना चाहिए ना। यहाँ पे आदमी ही नहीं है तो हम डिवाइड कैसे करें, भाग करना मतलब बांट देना। अब यहाँ पे आम है 2 ठो और आदमी एक भी नहीं है, तो आदमी ही नहीं है तो हम उसको डिवाइड कैसे करें, मतलब वो बांटा जा ही नहीं सकता, वो 2 आम बांटा जा ही नहीं सकता, वो अपरिभाषित रहेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं अनडिफाइंड। अब और एक सवाल इसी पे हम करा दे रहे हैं कि अगर ये समझ चुके हैं, देखो 0 को अगर 2 से भाग दिया जाए, 2 ले लीजिए आप, 1 ले लीजिए, 2 रखिए या फिर 1 या फिर 3, कुछ भी रखिए, कुछ भी संख्या को, 0 को किसी भी संख्या से आप डिवाइड करिए तो उसका आंसर 0 होगा। लेकिन आप किसी और अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो हो जाएगा अपरिभाषित, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पे जो बताया गया, यहाँ पे जो बताया गया उसको थोड़ा ध्यान से सोचिए अपने में, तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये 0 ही होगा और ये अपरिभाषित ही होगा। अब एक तो और कर लेते हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, इधर मिटा दे रहे हैं, पहले सबको ही मिटा दे रहे हैं, यहाँ मिटा दे रहे हैं कि 0 भागा 0 ये क्या होगा, ये क्या होगा, 0 डिवाइड 0, ये 0 होगा कि अपरिभाषित, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लिए यहाँ पे 10 भागा 5, 5 आम 10 आदमी, कितना करके बढ़ जाएगा, 2 करके। इसको हम अगर अच्छे से लिखे, देखिए 10 को डिवाइड करना था, 5 है तो 2 आएगा, इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं कि 10 जो मेरे ऊपर है 10, 10 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 2, लिख सकते हैं ना 5 गुना 2, 10 बराबर 5 गुना 2। चलिए इसी टाइप से अगर हम 10 को मान ले x, इसको मान ले y, और 2 जो मेरा आया इसको मान ले, मान लीजिए आपको z मान लीजिए z, तो क्या हम लिख सकते हैं इसी को देख करके कि x भागा y बराबर मेरा क्या होगा, z होगा, होगा z। और अगर z होगा तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो मेरा x होगा, x क्या होगा, y इंटू जेड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जेड इंटू वाई होगा, ऐसा इसी को देख करके पता कर सकते हैं 10 भागा 5 यानी 2, तो 10 मतलब x, x बराबर क्या होगा, 2 गुना 5, तो जेड इंटू वाई लिख सकते हैं ऐसे इसको इस फॉर्म में। अब इसी से हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा है ना, इसी से हम करते हैं कि 0 डिवाइड 0 कितना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो x के जगह पे कौन है, इसी संख्या के ऊपर है ना, x, हम इसको x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y, और जो आएगा मेरा कुछ ना कुछ तो आएगा ही, उसको मान लेते हैं हम z, हो गया इस सवाल पे। तो हम इसको x बराबर लिख सकते हैं z इंटू वाई लिख सकते हैं ना, x बराबर z इंटू वाई, ये फॉर्म लिख सकते हैं। चलिए अब x का मान तो यहाँ पे 0 है, Z यहाँ पे पता नहीं, जो आएगा वही तो हमको जानना है कि क्या आएगा, और Y कितना है, 0 है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए और बताइए, ये Z क्या था,
जो जीरो और जीरो को डिवाइड करने से आएगा वो वाला, तो क्या आएगा हम यहाँ पे आप बताओ, तो कुछ ऐसा बताओ कि क्या क्या यहाँ पे संख्या लिया जाए जिसको जीरो से गुना करने पे आंसर क्या आए, जीरो आए। तो इसका आपका सवाल होगा सर एक लेंगे तब भी होगा, जीरो लेंगे तब भी होगा, दो लेंगे तब भी, क्योंकि एक गुना जीरो जीरो ही होता है, जीरो गुना जीरो वो भी जीरो, दो गुना जीरो वो भी जीरो, तीन लेंगे तब भी होगा, मतलब कुछ भी संख्या अगर लिया जाए किसका जेड का तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब अगर जीरो भागा जीरो, जीरो भागा जीरो, जीरो को जीरो से भाग दिया जाए तो जेड जो होगा वो कुछ भी संख्या हो सकता है, लेकिन कोई फिक्स हम नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक ही होगा या दो ही होगा या तीन ही होगा। तो इसीलिए जीरो मतलब कोई फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है, कोई खास वैल्यू नहीं है कि जीरो को जीरो से भागा देने से उतना ही आएगा। जैसे हम लोग इसमें बोल दिए कि जीरो से जीरो को दो से भागा देंगे तो जीरो ही होगा, इसको समझ भी सकते हैं हम लोग, दो को जीरो से भागा देंगे तो अपरिभाषित, यहाँ पे हम भाग नहीं दे सकते, यहाँ पे भाग जीरो निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे जीरो को जीरो से भागा देने पे जो वैल्यू होगा वो कुछ भी संख्या आप ले सकते हैं आंसर होगा, मतलब वहाँ पे ना तो हम बोल सकते हैं जीरो होगा ना ही अपरिभाषित, अपरिभाषित तो होगा नहीं, भागा जाएगा कुछ ना कुछ मान जरूर होगा, लेकिन बहुत सारा मान होगा, कोई स्पेसिफाइड नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये होता है अनडिटर्मिनेट। इसको क्या बोलते हैं, जीरो भागा जीरो कितना आता है, अनडिटर्मिनेट। तो यहाँ पे तीन सवाल हम आप लोग को बताएं अभी, क्या क्या था वो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बहुत ही छोटा सवाल है। पहला था कि अगर जीरो जीरो को किसी संख्या पे भागा दिया जाए तो वो निकल के आता है जीरो, आम नहीं है दो आदमी है, है ना, आम नहीं है दो आदमी है, एक एक आदमी को कितना आम मिलेगा, अब जब आम ही नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा जीरो। चलिए अब दो को अगर जीरो से भागा दे, दो आम है अब आदमी ही नहीं है तो भाग तुम किस में करेगा, तुम किसको बांटेगा आम, सब किसी को बांट ही नहीं सकते वहाँ पे, आम अपने झोले में ही रखना पड़ेगा, आदमी नहीं तो कहाँ बांटेंगे, मतलब मैं भाग नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। और जीरो भागा जीरो करें, अगर जीरो भागा जीरो करें तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा मान आएगा, बहुत सारा मान, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इसको हम बोलते हैं वो, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनडिटर्मिनेट, अनडिटर्मिनेट बोला जाता। तो ये छोटा छोटा सवाल था, यहाँ पे जीरो भागा टू लीजिए आप या थ्री लीजिए या फोर लीजिए, आंसर जीरो ही होगा। यहाँ पर भी आप कुछ भी संख्या लीजिए उसको जीरो से डिवाइड करिए अपरिभाषित, लेकिन जीरो बाय जीरो ये अनडिटर्मिनेट होता है, बहुत सारा आंसर होगा इसका, बहुत स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है। तो ये छोटा सा डाउट था, अगर किसी को ये डाउट अभी भी था, है ना, 12th क्लास के बच्चों, 11th क्लास के बच्चों या 10, 9, आप लोगों को इस सवाल के ऊपर अगर अभी भी डाउट था, तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी मतलब मदद मिलता है या आप समझ पाते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर अपना राय दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को इस टाइप से बीच बीच में बेसिक नॉलेज देते रहेंगे मैथ साइंस के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है।